अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एसएफ के एएसआई या कॉर्पोरेट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल नॉलेज के अहम तरीन सवाल एएसएफ टेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पीडीएफ के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए फेसबुक, टिकटॉक या फिर पबजी पर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर ऑलरेडी 30 से ज़्यादा एएसएफ की टेस्ट प्रिपरेशन वीडियोज़ मौजूद हैं और मजीद वीडियोस और एएसएफ से रिलेटेड अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। पीडीएफ के लिए टारगेट है 50 लाइक्स और कमेंट। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल सलाम वोन द नोबेल प्राइज इन विच सब्जेक्ट। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किस मजमून में नोबेल इनाम जीता, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स? करेक्ट आंसर है फिजिक्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फिजिक्स में नोबेल इनाम जीता। डॉक्टर अब्दुल सलाम के मुतालिक अहम पॉइंट नोट करते चलें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 में नोबेल प्राइज़ जीता और जिस फील्ड में नोबेल प्राइज़ जीता वो थी फिजिक्स। पाकिस्तान में सेकंड नंबर पर जिसने नोबेल प्राइज़ जीता उसका नाम है मलाला यूसुफ़ज़ई, जिन्होंने 2014 में पीस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ जीता था। तो ये दो ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन या फिर आर्कटिक? तो उसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे छोटे समंदर की तो वो है आर्कटिक ओशन। द शॉर्टेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन। ये सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है या फिर दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है। क्वेश्चन है, विच इज द ओनली फर्टाइल डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का वाहिद ज़रख़ेज़ सहरा कौन सा है, सहारा डिजर्ट, दश्ते लूत डिजर्ट, ग्रेट थर डिजर्ट या फिर गोबी डिजर्ट? तो इसका आंसर है सी, ग्रेट थर डिजर्ट। थर डिजर्ट वाहिद दुनिया का सहरा है जो सरगेज है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ लंदन इज फेमस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ ऑल द कंट्रीज। लंदन का कौन सा शहर तमाम ममालिक के वक्त के हिसाब से मशहूर है, ग्रीनविच, वेल्स, मैनचेस्टर या फिर लीड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनविच। अक्सर मोबाइल में सेटिंग करते हुए हमसे हमारा टाइम जोन पूछा जाता है, तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो उसका टाइम जोन कोड है GMT+5। ये सवाल पहले पेपर में पूछा जा चुका है तो इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का टाइम जोन कौन सा है। पाकिस्तान का टाइम जोन है GMT+5। क्वेश्चन है, द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वॉज रिटन बाय होम। किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स किसने लिखी थी, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान, जुल्कार अली भुट्टो या फिर जनरल अयूब खान? इसका करेक्ट आंसर है जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे सदर भी रह चुके हैं 1958 से 1969 तक। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितने भी पाकिस्तान में सदर और उनके टाइम पीरियड की लिस्ट आपके सामने है, इनको भी नोट कर लें। ये भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, K2, नागा पर्वत, त्रिचमीर या फिर हिमालय? आंसर है नागा पर्वत। नागा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी की तो वो है K2। क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना या फिर पाकिस्तान? इसका आंसर है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का ग्लोबल रैंक है 11th। पाकिस्तान दुनिया में 11वें नंबर पर है चावल की पैदावार में। GT स्टैंड्स फॉर व्हाट। GT का मतलब क्या है, ग्रैंड ट्रांजिट रोड, ग्रैंड तुर्किश रोड, ग्रैंड ट्रक रोड या फिर ग्रैंड ट्रेड रोड? इसका करेक्ट आंसर है ग्रैंड ट्रक रोड। GT रोड के मुतालिक अहम पॉइंट नोट करते चलें, GT रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था और उनका असल नाम था फरीद खान। क्वेश्चन है, व्हाट इज IMF स्टैंड्स फॉर। IMF का क्या मतलब है जो अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते हैं? ऑप्शन है इराक मॉनेटरी फंड, इंडोनेशिया मॉनेटरी फंड, ईरान मॉनेटरी फंड या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमंस वॉज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस किस मुल्क में रिकॉर्ड किया गया, सूडान, कीनिया, कोंगो या फिर चाइना? इसका आंसर है कोंगो। बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस इस्लामाबाद में रिकॉर्ड हुआ अप्रैल 2021 को।
क्वेश्चन है, मार्गिला हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? मार्गिला हिल्स किस पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है? कराकरम, हिमालय, तोबा कक्कड़, सुलेमान रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा मुल्क करेगा? कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तमाम ममालिक मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। दी 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी द 23rd फीफा वर्ल्ड कप। 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा, जिसे 3 कंट्रीज और 16 शहरों में खेला जाएगा। कंट्रीज हैं कनाडा, मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। विच कंट्री इन्वेंटेड आइस हॉकी? आइस हॉकी किस मुल्क की ईजाद है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कनाडा या फिर चाइना? इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। आइस हॉकी कनाडा ने ईजाद की। क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? कजाकिस्तान, सूडान, लीबिया या फिर इजिप्ट? कजाकिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का रैंक है 8वां। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से 8वां बड़ा इस्लामी मुल्क है। और अगर बात की जाए आबादी के हिसाब से, तो सबसे पहले नंबर पर है इंडोनेशिया और सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान, फिर है बांग्लादेश, देन इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, अल्जीरिया एंड देन मोरक्को। क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ऑन? पाकिस्तान शंघाई तआवुन तंजीम का रुकन कब बना? 1 June 2017, 5 June 2017, 7 June 2017 या फिर 9 June 2017? इसका करेक्ट आंसर है 9 June 2017। क्वेश्चन है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस मुल्क में वाकया है? रशिया, यूक्रेन, कनाडा या फिर अमेरिका? आंसर है यूक्रेन। MIT इज द स्पाई एजेंसी ऑफ विच कंट्री? MIT किस मुल्क की जासूस एजेंसी है? इसराइल, मलेशिया, जॉर्डन या फिर तुर्की? इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन किसने तैयार की? रिचर्ड गैटलिन, जोसेफ प्रिस्टी, जोनस एडवर्ड साल्क या क्रिश्चियन बेल? आंसर है जोनस एडवर्ड साल्क। जोनस एडवर्ड साल्क ने पोलियो वैक्सीन ईजाद की। What is IP stands for? IP का मतलब क्या है? Internet process, Internet protocol या फिर Internal protocol? तो उसका करेक्ट आंसर है C, Internet protocol. IP का मतलब है Internet protocol. What is the capital of Malaysia? Malaysia का दारुलहुकूमत कौन सा है? Kuala Lumpur, Wellington, Warsaw या फिर Leeds? तो इसका करेक्ट आंसर है Kuala Lumpur. कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ASF के मजीद अहम तरीन सवाल की वीडियोस आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ज़रूर देखिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।